का विषय है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और प्रोटीन की शक्ति का थोड़ा सा एहसास दिलाना। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट क्या है, आप जैसा कि जानते हैं, जैसा कि अरविंद साकी सर के पीछे आप देखेंगे तो पूरा प्रोटीन रेंज आपको दिखाई दे रहा है। उनमें से विस्तृत श्रृंखला जो प्रोटीन की आपके पास है वो किसी भी डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी के पास नहीं है। आज का पहला पॉइंट नोट करें तो मैं आपको बहुत सारे मुद्दे बता रहा हूं जिससे आप अपनी सेल बढ़ा करके भीलवाड़ा या जहां जहां न्यूट्रीचार्ज आपको घुमाना चाहता है जरा सहयोग कीजिए, तो देश विदेश की सैर कीजिए। पहला मुद्दा ये कि इतनी विस्तृत प्रोटीन की श्रृंखला किसी के पास नहीं है। उनमें से एक प्रोडक्ट ही हम आज केवल डिस्कस करने जा रहे हैं, वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम है। यानी कि आपके पास हर प्रकार का प्रोटीन है और ये विशेष प्रोटीन जो है उन लोगों के लिए है, दो लोगों के लिए है जिनमें या तो ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड हो या बॉडी फैट अनकंट्रोल्ड हो, वो लोग भी न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट पाउडर का सेवन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रोटीन। चलिए कुछ बात प्रोटीन की कर लें। ये ना भूलें कि शरीर प्रोटीन से बना है। देखिए आधारभूत बातें भूलेंगे तो जीवन पीछे छूट जाएगा। कोई मकान बिना ईंट के नहीं बनता, बातों से मकान नहीं बना करते, ईंटों से बना करते हैं। उसी प्रकार बिना प्रोटीन के आपका कोई अंग स्वस्थ नहीं रह सकता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, ये बात आप लिख के रख लें। डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई तो कारण है कि 10,000 करोड़ की कंपनियों का सेल जो है उसमें से 70% 80% प्रोटीन से आता है और भारत में इसकी बहुत कमी है। चलिए अब प्रोटीन के कुछ मैं आपको काम याद दिला दूं और कुछ आपको सेलिंग टिप्स दे दूं। अब सेलिंग टिप्स लिखते जाइए। कोई बोलता है मेरा खाना हजम नहीं होता, तो प्रोटीन की बात कीजिए क्योंकि उसी से एंजाइम बनते हैं, पहला सेलिंग टिप। दूसरा सेलिंग टिप, कोई बोलता है कि मैं बार बार बीमार पड़ता हूं, अभी पिछले हफ्ते बीमार था यार, आज फिर तबीयत खराब है, तो बोले तेरे को हो सकता है एंटीबॉडी की कमी हो, आपको प्रोटीन लेना चाहिए, ये दूसरा सेलिंग टिप। तीसरा सेलिंग टिप, कोई बोलता है कि मेरी कमजोरी है, थकान बहुत होती है, तो हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हो, न्यूट्रीचार्ज मैन जरूर लीजिए, मैं हमेशा लेता हूँ, मेरी पॉकेट में हर समय रहता है, पॉकेट में इसलिए रखता हूँ भूल जाऊं तो ऑफिस जाके ले लूं। सो न्यूट्रीचार्ज मैन से आपने आयरन तो पा लिया या न्यूट्रीचार्ज वुमेन से, लेकिन बिना प्रोटीन के ग्लोबिन नहीं बनेगा, ये आज का तीसरा टिप। थकान है, जल्दी थक जाते हैं, शाम को बहुत थके हुए घर आते हैं, हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो बिना प्रोटीन के नहीं बनेगा। चौथा टिप, कमजोरी है, स्टेमिना नहीं है, शक्ति नहीं है शरीर में, आपको अंदर से महसूस होता है कि सामने जो दूसरा व्यक्ति है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, शक्ति की कमी है यानी मसल्स की कमी, मसल्स की कमी बिना प्रोटीन के पूर्ति नहीं हो सकती। चौथा टिप, तो कोई बोलता है मुझे कमजोरी है, तो उनको आप याद दिलाइए कि साहब ये प्रोटीन आप लीजिए, आपकी शक्ति बढ़ेगी, शारीरिक दृढ़ता बढ़ेगी। पांचवा टिप, मेरे बाल कमजोर हैं, मेरे नाखून कमजोर हैं या मेरी त्वचा ठीक नहीं रहती, उनको बोलिए इन सब अंगों का स्ट्रक्चर जो बनता है वो प्रोटीन से बनता है, मेरी हड्डियां कमजोर हैं, बिना प्रोटीन के ना हड्डियां ना ही त्वचा ना ही बाल ना ही नाखून मजबूत रहेंगे। तो जैसे कोई ऐसा बात बोले वो बॉल पकड़ना, कैच लेना आपको आना चाहिए। और डायबिटीज के अंदर एक बात जो कई बार हम मिस कर जाते हैं कि डायबिटीज का जो हार्मोन है इंसुलिन, वो भी प्रोटीन है। मैं बहुत सारे लोगों मेरे से पूछते हैं कि क्या हम डायबिटीज है केवल न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट ले लें, तो मैं अब उनको क्या जवाब दूं कि जो इंसुलिन वो बनाना चाहते हैं शरीर में वो भी प्रोटीन का ही हार्मोन है, तो इसलिए बिना उसके आप डायबिटीज से बच नहीं सकते। तो ये प्रोटीन के बहुत सारे काम मैंने आपको याद दिलाए। अब रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोटीन कैसे बेचूं, ये तो शारीरिक काम थे जो थोड़ा आपको पांच टिप दी। अब जो आम तौर पे जिससे आप बहुत सरलता से रजत जी प्रोटीन बेचा जा सकता है वो आज पॉइंट उठाता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, इंटरनेट से लर्निंग लेके आया हूं, हम ये बात बोलते रहे हैं समय समय पर अलग अलग स्लाइड्स में, मैं सिर्फ उसको समराइज कर रहा हूं। लोगों को किसमें इंटरेस्ट है, आम व्यक्ति को इंटरेस्ट है कि यार मैं मोटा हो गया, अरे भैया पेट नहीं कम होता, तो उनको याद दिलाएं कि जी हाँ प्रोटीन और फाइबर, जैसा साखी साहब ने भी याद दिलाया, ये हमारे को फैट घटाने में मदद करते। आज भी किसी व्यक्ति ने पूछा मुझसे, अरे यार मोटापा तो कम करना है पर भूख बड़ी लगती है, करूं क्या, डॉक्टर कहता है कम खाओ कैसे भूखा रहूं, तो उनको याद दिलाया मैंने कि अगर आप प्रोटीन लेंगे तो ऑटोमेटिकली भूख मिट जाएगी, अत्यधिक खाने की जरूरत नहीं रहेगी, कैलोरीज कम खाएंगे तो स्वतः आप मोटापा घट जाएगा। तीसरा पॉइंट जो ताकत और ऊर्जा बढ़ाता है, ये रोजमर्रा की बातों में आता है कि अरे यार दम ही नहीं है, खड़ा ही नहीं हो जाता, चला ही नहीं जाता। चौथा जो रोजमर्रा की जिंदगी में आता है, जो
डायबिटीज देखिए भारत की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। अगर आप ग्लूकोमीटर लेके खड़े हो जाएं तो आपको हर तीसरा व्यक्ति, हर पांचवा व्यक्ति शुगर बढ़ावा मिलेगा। भूख बहुत लगती है, खाना चाहता हूं लेकिन मोटा हो जाता हूं, मोटी हो जाती हूं की समस्या है, ये भी प्रोटीन और फाइबर से सुलझती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ आपको प्रोटीन बेचने में, और आप प्रोटीन क्यों खाएं, इनमें से कौन सी बात आप छोड़ सकते हैं। आप ताकत नहीं चाहते कि ऊर्जा नहीं चाहते कि आप अनियंत्रित खाना चाहते हैं, आप ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर इन सबसे पीड़ित रहना चाहते, ऐसा नहीं। तो प्रोटीन चाहिए, कितना चाहिए इस पे बहुत बहस होती है, तो मैं एक बार याद दिला दूं, आप जितने किलो के हैं उतने ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। अगर आप 80 किलो के हैं तो लगभग लगभग आपको 75-80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सामान्यतः पुरुष 60-70 किलो के हैं और आपको 65 ग्राम प्रोटीन औसत भारत में चाहिए। सामान्यतः महिलाओं को 55 ग्राम प्रोटीन औसत भारत में चाहिए। याद ना रहे तो किलो तोलिए, उतने ग्राम आपको रोज खाना है। इसलिए न्यूट्रीचार्ज के किसी स्कूप और किसी पाउडर से आप डरिए नहीं, क्योंकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा दिन में 10-15 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं खिला रहे हैं, जबकि आपकी आवश्यकता 60-65 ग्राम पुरुषों की और 55-60 ग्राम महिलाओं की है। विश्वास नहीं होता तो रजत जी ये स्लाइड का आप स्नैप ले लें, ये हमारा क्रेडिट नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की कुछ जानकारी है। जो हम बोलते आए हैं उसका मैं आपको सबूत पेश कर रहा हूं कि भारत के लोगों के 73% लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है। 93% लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोटीन चाहिए कितना। इतना सरल सी बात कि जितने किलो के हैं उतने ग्राम चाहिए, 93% भारतीय लोग इस प्रश्न का जवाब नहीं जानते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में सब बताना चाहते हैं, लेकिन ये प्रश्न शायद लोगों को नहीं मालूम। शाकाहारी लोगों के आहार में, और मेरे समझ से हम में से हम 1000 लोग यहाँ जुड़े हैं, यूट्यूब पे और लोग जुड़े हैं, जितने शाकाहारी हैं वो जान लीजिए कि 84% के, अगर हम 1000 लोग शाकाहारी हैं तो हमें से 840 लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी है। जो लोग अपने आप को मांसाहारी समझते हैं वो तभी मांसाहारी हैं जब रोज मांसाहार लेते हैं। अगर आप महीने में 2 बार, हफ्ते में 1-2 बार खाते हैं तो आप शाकाहारी ही हैं, तो आप इस 84 में ही आते हैं। और अगर आप रोज मांसाहार करते हैं तो भी टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि 65% लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी है। और आप अगर ऐसा सोचते हैं कि फल और सब्जियों से, पत्ते वाली सब्जियों से आपको भरपूर प्रोटीन मिल जाएगा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है कि ऐसा नहीं होता है। हरी सब्जियों में मिनरल मिलते हैं, हम भी बोलते हैं रोज हरी सब्जियां खाइए, भरपूर खाइए, विटामिन मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, लेकिन प्रोटीन उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता। मिलता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं मिलता, कम मिलता। तो शाकाहार से प्रोटीन पाने के लिए आपको अत्यधिक वैरायटी खाना पड़ती है, लेकिन शाकाहार में सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कौन सा है वो अगर आप देखें तो दाएं कोने में नीचे दाईं ओर जो लिखा है वो बोलता है कि सोयाबीन का प्रोटीन शाकाहार में सर्वोत्तम है। ऐसा RCM या न्यूट्रीचार्ज नहीं बोल रहा है, ऐसा आपके देश की एक अग्रणी संस्था बोल रही है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो अपना चेहरा इस स्लाइड में पहचानिए। आपको अगर थकान है, बार बार इंफेक्शन होता है, ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं है, आपकी कमर आपकी हाइट के आधे से ज्यादा है, जी हाँ बहुत सरल सी बात मैंने कही, अगर आप 5'4" के हैं तो आपकी कमर 32 इंच की होनी चाहिए। मैं 5'4" का हूं पर मेरी कमर 36 इंच की है, यानी कि 4 इंच जो है वो अतिरिक्त फैट चढ़ी है। बहुत सरल है ये जानना, वो प्रोटीन की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। तो मैं दिन रात सेवन करना चाहता हूं और कर रहा हूं। आपको हृदय रोग की पीड़ा है, बढ़ती उम्र आपके चेहरे पे झलकती है, या आपके शरीर में मसल्स की कमी है, तो कुछ जानने की जरूरत नहीं, प्रोटीन की कमी है। इतना सरल है, इसकी रिकॉर्डिंग रखिएगा। अब मसल से हम लोगों को लगता है केवल बाजुए कातिल में जो मसल होती है वही होती है, जी नहीं, आपके कंधे में मसल्स हैं, आपके घुटने में मसल्स हैं, आपकी एड़ी में मसल्स हैं। मचक जाए तो एड़ी साहब चलना मुश्किल हो जाता है, टांगों की मसल्स जवाब दें तो घुटने साथ नहीं देते, कमर दर्द तब होती है जब ये कूल्हे कमर पेट की मसल्स साथ नहीं देती, सामान तब नहीं उठता जब बाजू की मसल ठीक नहीं है, यानी कि कम शब्दों में बोलूं तो पूरा शरीर मसल से ही बना है। एक उदाहरण देता हूं, आपसे बाल्टी भरी हुई नहीं उठाई जाती, आप अपने बच्चे को देर तक नहीं उठा पाते, आप भारी सामान नहीं उठा पाते, तो ये आपकी पीठ की, आपकी बाजू की, आपकी कंधे की, आपकी गर्दन की मसल्स सुदृढ़ नहीं है।
और आजकल बहुत सारे लोगों के गर्दन में यहाँ पे दुखता है, जरा सा दबाइए आह बहुत दुखता है, यानी कि ये मसल्स का, ये केवल एक उदाहरण लिया गया, मसल्स के बिना जीवन नहीं है। दूसरी ओर कोई भी तरीके से अगर आपको मसल्स नहीं है तो आप इन रोगों से बच नहीं सकेंगे, हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़, इन सब में। और यहां तक कि ईरानियन जनरल ने हमें बताया कि आज जो लोग भारत में 40-50 वर्ष की उम्र में आप रोज पढ़ते हैं, आज ये चला गया, आज फलाने को हृदय रोग हो गया, आज ढिकाने का हृदयाघात हो गया, और ये सब बड़ी बड़ी हस्तियों को होता है, 40-50 में होता है। तो ईरानियन जनरल हमें बता रहा है कि अगर आपके शरीर में पर्याप्त मसल्स नहीं है तो आपके हृदय में भी पर्याप्त मसल्स नहीं है। ये बड़ी विज्ञान की बात नहीं है, बहुत सरलता से आप अपने हृदय की शक्ति समझ सकते हैं। शरीर में मोटापा ज्यादा है तो हृदय के अंदर भी कहीं ना कहीं धमनियों में फैट का जमाव हो रहा है, तो ये चीज आप समझ लीजिए। और जिनको बिल्कुल विज्ञान नहीं आता वो इस चित्र को ध्यान से देखें, आप किस ओर हैं, आप इनमें से कौन सी पार्टी में शामिल हैं। मैं देखिए आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं शुरू से ये दाई ओर वाली पार्टी में फर्स्ट क्लास 39 इंच की कमर लेके डॉक्टर कपूर चलते थे, सर अलग चलते थे, सर की कमर अलग चलती थी, दर्जी हंसता था, है ना, रेडीमेड वाले हंसा करते थे। अब सर कोशिश कर रहे हैं कि बाई ओर की तरफ आ जाएं, क्योंकि दाई ओर रोग है, दाई ओर कमजोरी है, दाई ओर बुढ़ापा है। तो अगर आपको विज्ञान नहीं समझता केवल चित्र से समझ लीजिए, वरना यहाँ लैंसेट का नाम लिखा है जो मेडिकल साइंस की बाइबल है, जो बोलती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप ये दाई ओर जाने लगते हैं, बाई ओर आने के लिए प्रयास और प्रोटीन चाहिए, ये ध्यान रखें। और ये चित्र से आप समझें कि आप कौन हैं, क्या आपके शरीर के अंदर छुपा हुआ ये युवक या युवती बाहर आने के लिए छटपटा रहा है, बाहर आपने भी एक पूरा कवर चढ़ा रखा है, थैला चढ़ा रखा है फैट का, तो प्रोटीन आपको लेना ही चाहिए, अंदर छुपे हुए उस युवक को, उस जवान आदमी को या जवान महिला को बाहर आने दीजिए, बाहर से ये जो फैट चढ़ा रखी इसको निकाल फेंक दीजिए, क्योंकि ये अगर फैट और मसल का संतुलन नहीं बनेगा स्वस्थ नहीं रह सकते। जैसा कि आंकड़े सर भी आपको बता रहे थे, 16 करोड़ लोगों को या तो डायबिटीज है या होने वाली है, 20 करोड़ भारतीयों को ब्लड प्रेशर है, 6 करोड़ हृदय रोगी है। बड़ा इंप्रेसिव नहीं लगता, 6 ही तो करोड़ है, पर पूरे विश्व में 10 ही करोड़ है, यानी हर 10 में से 6 हृदय रोगी हमारे यही है। तो ये स्लाइड आज विशेष तौर पर लाया हूं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बॉडी फैट बढ़ा के बैठे हैं। दर्शन कीजिए साहब, ये किसी ब्लॉग की हमारी अपनी साइट नहीं है। अब आप पहचानिए कि आप कितनी फैट परसेंट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे पूरा दुकान सजी है, 15% बॉडी फैट, 20% बॉडी फैट, 25% बॉडी फैट, 30% बॉडी फैट, 35% बॉडी फैट, 40% बॉडी फैट, और इसके आगे वाले मॉडल भी हमारे पास है। तो अगर आप ये 30, 35, 40 की श्रेणी में आ रहे हैं तो रोगों से सावधान हो जाइए। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट आप ही के लिए बनाया गया है। भारत में पहली बार ऐसा सप्लीमेंट बनाया गया जो मोटापे से परेशान और प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए ये प्रोटीन विशेष प्रोटीन है। न्यूट्रीचार्ज आपको जितने प्रोटीन ला के दिया है, आरसीएम की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है, ऐसी रेंज किसी के पास नहीं है, ये आप समझें। तो ये विशिष्ट प्रोडक्ट है, और आप इसका अगर सप्लीमेंट के ऊपर जो लिखा हुआ वाक्य भी पढ़ें, ये प्रोटीन सिनेमन कॉफी पाउडर है, ये सामान्य प्रोटीन नहीं है। चलिए अब डायबिटीज के ऊपर बात हुई तो कुछ क्षण उस पर भी बात कर लेते हैं। 14 मिनट में हमने प्रोटीन की जरूरत को एक बार निहार लिया। याद करें कि अगर आपकी औचक जांच रैंडम ब्लड शुगर लिया गया और आप 141 भी अगर आया, बल्कि एक्चुअली 140 भी अगर आया, तो आप प्री डायबिटिक है, यानी आपको डायबिटीज होने वाली है। ऐसे 8 करोड़ भारतीयों के लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट एक आशा की किरण है। अगर आपका 100 से 139 है, 139 पे आ गए हैं तो बॉर्डर पहुंच गए हैं, ध्यान रखिए कहीं आप दूसरे देश में भटक के ना चले जाएं। और अगर आपका 200 से ज्यादा औचक जांच में ब्लड शुगर आता है तो आप रोगी हो चुके हैं। तो रोगी हो गए या डायबिटीज हो गई तो आप समझिए कि कई अंगों पे निशाना सद गया आपके, दिमाग पे निशाना है, कभी भी लकवा हो जाता है। राजत जी आज दिन में हम एक कैंप लगा रहे थे, 42 साल का एक पुरुष वहां आया, मैं आपको एकदम सत्य बोल रहा हूँ, ये आरसीएम का फॉरम है, झूठ नहीं बोल सकता हूँ। छोटी सी बच्ची का हाथ थामे उसका पिता था, और बातों बातों में पता चला सर को डायबिटीज है, और बातों बातों में पता चला कि एक हृदयाघात से वो पीड़ित पहले हो भी चुके। इतनी नन्ही बच्ची जिसको अभी कोई होश नहीं, उसके पिता के सर पे
मृत्यु का साया मंडराए, ऐसा आरसीएम के रहते अगर होता है तो हमारे अंदर कुछ कमी है। मैंने उनको तुरंत कॉन्फिडेंस में लिया, बोला कि सर आप थोड़ा समय निकालिए, तो संडे का टाइम तय हुआ है, उनसे मिलने जाऊंगा, उनको समझाने की चेष्टा करूंगा कि सर आपको इतनी कम आयु में इतना खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप अपना डायबिटीज नियंत्रित कर लेंगे तो हृदय बच जाएगा। और केवल हृदय नहीं, लकवे का खतरा है, रक्त वाहिनियों की क्षति का खतरा है, पैरों में झुंझुनी, पैरों में चुभना, जलना, ये इतना आम लक्षण है जो कि वास्तविकता में डायबिटीज का लक्षण है। इन सब लक्षणों से आप बच सकते हैं, बहुत सिंपल कुछ काम करने हैं। लेकिन केवल प्रोटीन खा लूं कुछ ना करूं हो जाएगा? नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, सक्रिय रहना पड़ेगा, और साथ में प्रोटीन और फाइबर का नियमित सेवन करना पड़ेगा। कौन सा प्रोटीन खाएं? जिसमें फाइबर, कॉफी, कोको सब मिलता है आपको, सिनेमन, डायबिटीज से बचाव में, वो है आपका न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। श्रीमान, मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करता हूं, आज भी दिन भर हम भारत की पांचवी बड़ी कंपनी के साथ जूझते रहे, दिन भर कैंप करके आया न्यूट्रीचार्ज का, उसके बाद पूरी दोपहर शाम तक उनके साथ जूझ रहा था, अभी फिर आरसीएम की सेवा में पुनः प्रस्तुत हो गया हूं। तो उनके पास बहुत से प्रोडक्ट हैं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट नहीं है। आप देखिए तो सही इसमें क्या है, 64% शुद्ध प्रोटीन, सिनेमन एक्सट्रैक्ट, गार्सिनिया कंबोजिया, डाइट्री फाइबर, एंजाइम और बेल्जियम का कोको। जी हाँ, बेल्जियम का कोको। और इसकी जो कॉफी है वो शुद्ध है, वो मिलावट वाली कॉफी नहीं है। ऐसा एक भी प्रोडक्ट मैंने अब तक देखा नहीं है, ये कई वर्षों से अब आ गया है, लेकिन तब से आज तक मुझे ऐसा एक भी प्रोटीन पाउडर बाजार में उपलब्ध नहीं मिला है। फाइबर इसमें जो डला है, जब आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट खाते हैं और अगर उसके थोड़ी देर बाद आहार खाते हैं, तो इसके अंदर का जो फाइबर है वो आहार से शक्कर के अवशोषण को धीमा कर देता है, तो आप पिएंगे भी शक्कर तो इतनी तेजी से वो अवशोषित नहीं हो पाएगी। और फाइबर के बारे में सर ने बहुत आसानी से समझा दिया कि जैसे आप अपने घर में उदास से बैठे थे, मित्रों की टोली बाहर आई, चल क्या करता है, और आपको अपने साथ ले गई, आप उनके साथ अपना दुख दर्द भूल गए, ऐसे फाइबर की टोली जो है वो कोलेस्ट्रॉल, शक्कर और जितने भी जहरीले पदार्थ आपकी आंतों में होते हैं, वो फाइबर की टोली उनको अपने साथ ले जाती है, आपकी आंत साफ कर देती है, आपका कोलेस्ट्रॉल घट जाता है और आप निरोगी होने की ओर अग्रसर होते हैं। ये याद रखिए, बड़ा सरलता से इस स्लाइड में समझाया गया। प्रोटीन खाने से डायबिटीज का क्या संबंध है? देखिए, मैं समोसा खाऊं, मैं कचौरी खाऊं, मैं ब्रेड खाऊं, मैं बिस्किट खाऊं, एक सज्जन आ जाए हर चाय के कप के साथ 6-7 उनको बिस्किट चाहिए, तो मैं उनको ये स्लाइड दिखा के समझा रहा था, सर अगर चाय के साथ बिस्किट खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर, जैसे इसमें लाल लकीर दिख रही है, ऐसे कूदेगा, और अगर आपने पहले ये प्रोडाइट पिया रहेगा और उसके बाद चाय पियेंगे तो आपको बिस्किट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ब्लड शुगर नहीं कूदेगा तो डायबिटीज नहीं रहेगी। ये सरलता से इस स्लाइड में समझाया गया है, इससे आप समझें। 5-5 लाभ हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट के डायबिटीज के अंदर। पहला, खाने के बाद आपके शरीर में रक्त में शक्कर धीमे धीमे जाएगी, मसल्स को बचा के रखेगा, आपकी भूख पे नियंत्रण लाएगा, पैनक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। जी हाँ, सोया प्रोटीन एकमात्र ऐसा प्रोटीन है, अगर आप 25 ग्राम रोज खाएं तो हृदयाघात से भी आपको बचाता है, ऐसा हम नहीं कहते, जमाना कहता है, USFDA कहता है सर। तो पेनक्रियास की भी रक्षा करता है, इंसुलिन भी बढ़ाता है, और रक्त में जो शक्कर हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है, जिसको हम HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो भी घटाता है। एक नाम पांच काम। इस स्लाइड का चित्र ले लें, आपको समझना है, किसी को बताने के लिए केवल वो चित्र आगे उसके हाथ में दे दें, बोले चेक कर लें कि ये सोया प्रोटीन के फायदे होते हैं। और दूसरी बात, लोग सोचते हैं मैं आहार में खा लूंगा, आहार से प्रोटीन को पचाना बढ़ती उम्र में डायबिटिक पेशेंट के लिए और भी कठिन है, क्योंकि डायबिटीज सबसे पहले आपके आंतों की गतिविधि धीमी कर देती है, आपको कुछ पचता नहीं। मैं डायबिटीज रोगियों के साथ काम मिलके कर रहा हूं, कंधे से कंधा लगा के उनकी रोग से लड़ रहा हूं, तो कोई मुझे बताता है साहब 2-2 दिन तक पखाना नहीं होता, क्योंकि पेट चलता ही नहीं, गैस होती है, खाना खाते ही पचता ही नहीं, 2 कप चाय पीता हूं तो इतना गैस बनता है, उनको डाइजेशन नहीं होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो जो खाते हैं वो भी पचता नहीं है।
ये ना भूलें कि आपका न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट में जो आइसोलेटेड प्रोटीन है, जितना खिलाएंगे लगभग 90-95% पच जाएगा, अंतर पड़ जाएगा, करके देखिए। और इसके अंदर एक तत्व है, ये विशिष्ट तत्व नोट किया जाए मेरे सेशन का अंत नजदीक, गार्सिनिया कंबोजिया। और इसी कारण से न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट उन लोगों के लिए भी है जो पेट, बड़े हुए पेट से, तोंद से, या शरीर में कहीं भी इधर उधर लटकती फैट से परेशान है। आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट का सेवन करेंगे तो भूख तो बहुत घटेगी, आहार की मात्रा घटेगी, खाना खाने के बाद शुगर नहीं बढ़ेगी उतनी तेजी से जो बढ़ती है। ये गार्सिनिया कंबोजिया विश्व प्रसिद्ध है इस काम के लिए। देखिए ये एक स्लाइड एक जर्नल से मैं आज उठा के लाया हूं, वही सब बात जो मैंने आपको बोली इसमें लिखी है, नीचे जर्नल का नाम लिखा है। ये स्लाइड का आप चाहें तो चित्र ले लें, आप मत पढ़िए, जो आपसे प्रश्न करे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट को उसके हाथ में चित्र थमा दीजिए, उसको अपना उससे अपना व्हाट्सएप से या किसी भी अन्य माध्यम से उसको ये चित्र पकड़ा दीजिए, ये तत्व इसमें है, ये विशिष्ट बनाता है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट को। और 100% शुद्ध कॉफी इंसुलिन की सक्रियता बढ़ाती है और आपको ब्लड शुगर से जीतने में मदद करती है। और सिनेमन, ये भी बात आपको शायद ना पता हो, एक बहुत ताकतवर एंटी डायबिटिक है। इसमें भी ये भी इतना सारा मत पढ़िए, इतना सारा कोई प्रश्न पूछे उसे दे दीजिए, वो कहेगा ये कहां से लिख लाए हो, तो नीचे वो जर्नल का नाम लिखा है, ताजा ताजा है, वो भी उसको साथ में दे दीजिए। आप इतना ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ इतना देखिए कि अगर आपने न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन खाया है तो आपके शरीर का रक्त शक्कर घटाने में वो मदद करेगा। इतना ज्ञान आपको नहीं चाहिए, ये उनके लिए है जो आपसे प्रश्न करें और आपको इतने सारे जवाब उसको दे दीजिए कि दोबारा नहीं पूछे कहां से आया, बोले ये नीचे लिंक डला है, इसको डाल के देख ले और अपने आप देख ले। तो साहब अब इसको समराइज करता हूं, समेटता हूं आज की चर्चा को, इतने सारे लोगों का इतना कीमती समय है। अरे इसमें कोई भी न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन में अलग से शुगर नहीं डाली गई। आज की मेरे से पूछा साकी सर कि प्रोटीन तो बहुत मिलता है, मैंने कहा साहब वो शक्कर के डब्बे में थोड़ा प्रोटीन डाल के आपको मैं भी सस्ता दिलवा सकता हूं। प्रोटीन तो आपको आरसीएम से ही मिलता है, शक्कर के डब्बे में थोड़ा सा प्रोटीन डाल दूं, मैं कम शब्दों में अगर बोलूं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपके 9 तरह के प्रोटीन प्रोडक्ट आते हैं, उनमें अतिरिक्त शक्कर नहीं मिलाई गई, प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाए गए, फिलर नहीं मिलाए गए, और ये सब के सब जितने भी प्रोटीन सर के पीछे दिख रहे हैं आपको रखे हुए, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ये सब के सब वजन प्रबंधक में सहायक हैं। लेकिन सबसे बेस्ट, अगर आप बहुत 100 किलो से भी ऊपर मोटा है, तो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ और उसके नीचे का पायदान न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन। और संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे पीवीएमएफ का सेवन करें, न्यूट्रीचार्ज मैन से आपको मिनरल और विटामिन पाएंगे, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट से आपको प्रोटीन और फाइबर मिल जाएगा, और साथ में मिलेगा वो सहारा जिससे आपको मिलती है भरपूर सेल। एक भी व्यक्ति लेता है तो आपका सीधा 1080 का पीवी होता है, और अगर वो डायबिटिक व्यक्ति लेता है तो एक महीना नहीं लेगा। अगर आपने उसको ठीक से, जैसा मिलिंद सर हमें सिखाते हैं, पहले सुनिए दूसरे की फिर बोलिए, अगर आपने ठीक से समझाया है तो आपको कई महीने तक लगातार हर महीने ये 1080 पीवी मिलता रहेगा। और अगर आप समझते हैं कि उनका शुगर कुछ ज्यादा ही है तो साथ में ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट भी जोड़ दीजिए, जिसके अंदर आपको 9-9, 10-10 हर्ब्स मिलते हैं, तो ब्लड शुगर काफी तेजी से नीचे आ जाएगी। तो ये बोल के मैं 1 मिनट देरी होने के कारण क्षमा चाहता हूं, अपना टॉक यही समेटता हूं।